नगरपालिका प्रशासन ने रेलवे स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि कल तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो फिर नगरपालिका की जेसीबी चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन रोड का निर्माण जल्द ही शुरू होना है। इसे लेकर नपा प्रशासन ने आज करीब दर्जन भर दुकानदारों को अपने टपरे और दुकानों को पीछे हटाने के लिए निर्देशित किया। कुछ स्थानों पर दुकानदारों के द्वारा नाले और सड़क तक दुकानें बनाई गई है। इसी को लेकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। हमारे को कोई दिक्कतें हमको है नहीं, बस हम ये चाह रहे हैं कि मटेरियल गिर जाए उसके बाद में हम खोल देते हैं। अब ये क्या है, खोलने के बाद खोल देंगे उसके बाद मटेरियल गिरता नहीं, महीनों से काम रुका हुआ रहता है। 2017 से खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत आगामी जनवरी और फरवरी माह में महिला फुटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारी को लेकर आज 17 नवंबर को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं होटल मालिकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिलों में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इनमें बालाघाट जिले को भी शामिल किया गया है। बालाघाट में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने 200 से अधिक खिलाड़ी बालाघाट आएंगे। खिलाड़ियों के आने से लेकर प्रतियोगिता के समापन तक उनके रहने, भोजन, खेल अभ्यास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवागमन की सुविधा आदि के इंतजाम पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस आयोजन के लिए पुलिस हाउसिंग को अधोसंरचना तैयार करने का जिम्मा दिया गया। इस प्रतियोगिता के लिए मुलना स्टेडियम, रेंजर्स कॉलेज का ग्राउंड एवं उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड का चयन किया गया है। इन खेल मैदानों पर प्रतियोगिता के लिए जरूरी सुधार एवं मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। बैठक में पुलिस हाउसिंग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे टेंडर के अनुसार ठेकेदार को कार्य आदेश देकर अधोसंरचना विकास का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराए। सभी होटल मालिकों से कहा गया है कि इस प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों में कोई बुकिंग आदि न ले और अपने होटल में CCTV कैमरे जरूर लगवा ले। होटल में खिलाड़ियों एवं अन्य लोगों के ठहरने का भुगतान किया जाएगा। परिवहन अधिकारी से कहा गया है कि वे प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के आने जाने के लिए अच्छी बसों का इंतजाम कराए। स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि प्रतियोगिता के दौरान अस्पताल में ICU एवं खाली बेड आपात स्थिति के लिए तैयार रखे। कारंजा से बापड़ी और परसोड़ी के मध्य चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य की समीक्षा की और निर्माण एजेंसी के ठेकेदार को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक हिना कावरे के द्वारा सड़क निर्माण के लिए 15 अक्टूबर 2022 को भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद जय जगन कंपनी के द्वारा यहां पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल कंपनी की ओर से आधिकारिक निर्देश के बाद तेजी से कार्य किया जा रहा है। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्डवासियों ने आज रेलवे स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर रेलवे क्रॉसिंग बूढ़ी और गर्रा चौकी में वाहनों के दबाव से निर्मित गड्ढों का मरम्मतीकरण किए जाने की मांग की है। बताया गया कि यहां पर अक्सर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। जब भी कोई ट्रेन पासिंग होती है तो यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान सबसे अधिक परेशानी लोगों को गड्ढों के कारण उठानी पड़ती है, जहाँ कई बार वाहन फंसने से दुर्घटना होने का डर बना रहता है। रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ जो बूढ़ी गेट है, बूढ़ी गेट नंबर है 2 और गर्रा गेट नंबर 9, तो ये दोनों जगह जो गेट के आजू बाजू से है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और लीवर के भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसमें कई बार क्या होता है कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो उसकी वजह से जाम हो जाता है। जाम होने के साथ साथ कई बार हमारे यहाँ जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कई हमारे यहाँ जो जितनी यानी पब्लिक है वहाँ से भी निकलती है,
तो इन लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ पर। ऐसा ना हो कि कभी किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना हो जाए या किसी को किसी भी प्रकार का जोखिम हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? या रेलवे विभाग रहेगा। रेलवे विभाग से हमने पहले भी कई बार फ़ोन से कॉन्टेक्ट किया तो उनके द्वारा हमें जवाब मिला कि भाई इसका टेंडर हो गया है, ठेका हो गया है, तो बोले 4 दिन में काम हम चालू कर देंगे। तो ये आज ही नहीं, कम से कम हमने 5-10 बार हम लोगों ने इन्हें कॉल करा तो बस हर बार एक ही जवाब आता है कि 4 दिन में काम चालू कर देंगे, टेंडर हो गया है।